हूँ आपके साथ जहाँआरा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। भावी मुखिया प्रत्याशी सुष्मिता चौपाल ने कहा, रायभीर पंचायत से मुक्त होगा भ्रष्टाचार और नशा। मोहम्मद मोनाजीर की रिपोर्ट। मधेपुरा जिला शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रायभीर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से भावी मुखिया प्रत्याशी सुष्मिता चौपाल पति प्रभास चौपाल ने कहा कि मैं अपनी पंचायत में पौधा लगाए। पौधा इसलिए लगाया गया कि ताकि समाज से पर्यावरण से शुद्ध हवा मिले, ताकि पंचायत दुष्ट ना हो। यदि इस बार रायभीर पंचायत की महान मतदाता गण मौका देगी तो पहले शिक्षा सुधार करूंगा, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा और सरकार की जो भी योजना होगी उसे धरातल पर उतारेंगे। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं सुष्मिता चौपाल लानी सुशीला पति प्रभास चौपाल। नीता चौपाल और पुरानी सुशीला। कौन पंचायत है? रायभीर पंचायत। क्या चीज से उम्मीदवार है? मुखिया पद से। मुखिया से जी। किस मुद्दे से आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप जो वोट मांगने के लिए पंचायत में जाइएगा जनता के बीच, बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में, तो आप जो वोट मांगिएगा क्या चीज कह के वोट मांगिएगा? क्या कि और भी कैंडिडेट है तो उसको छोड़ के आपको जो वोट देगा तो कोई तो रीजन होगा ना सर जनता का, तो क्या चीज कहिएगा जनता से आप? जनता को यही कहेंगे जो जनता को सेवा करेंगे, जो चीज का कमी है वो चीज हम पूर्ति करेंगे, जनता को खुश रखने के लिए हम मुखिया में खड़े हुए हैं और करेंगे खुश सबको। पेड़ पौधे भी लगाए हैं, मास्क साबुन भी बांटे हैं हम। यदि रायभीर पंचायत के महान जनता इस बार आपको पंचायत में चुनते हैं तो पंचायत के लिए पहला प्राथमिकता क्या रखेंगे? हम बोल सकते हैं। देखिए आज पंचायत में मैं प्रभास शर्मा, हमारी पत्नी सुष्मिता चौपाल और भरानी सुशीला हैं, जो आज पंचायत में आज से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 15 वर्षों से मैंने समाज का सेवा किया और हर गरीब को मैं सहायता दिया हूं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो श्राद्ध हो, चाहे वो अस्पताल हो, जहां भी उसको जरूरत पड़ा है वहां मैं गरीब जनता को हर जगह साथ दिया हूं और गरीब जनता हमारे साथ हैं। और मुझे जिस समय में मुझे ये सपना भी मैं नहीं देखा था कि मैं मुखिया पद का उम्मीदवार बनूंगा और मुखिया पद से मैं चुनाव लड़ूंगा, उस समय से मैं इस गरीब का सेवा किया हूं। पूरे पंचायत में जहां मुझे नहीं करना चाहिए था वहां मैं सबका सेवा किया हूं और हर जगह मेरा सेवा गरीब के निकट तत्पर हूं। मैं गरीब को साथ देने के लिए हर मुकाबला में मैं तत्पर हूं और साथ दिया हूं। और आज जब हरिजन सीट आया है तो मैं मुखिया पद से उम्मीदवार हुआ हूं, इसलिए कि मैं नहीं हुआ हूं, जितने भी रायभीर पंचायत के गरीब हैं सब मिलकर के मुझे कहा कि बहुत से आदमी खड़ा होता है जो बड़े बड़े मतलब उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े धनी मनी व्यक्ति हैं, लेकिन जो कोई सेवा नहीं किया है वो खड़ा होता था, आप क्यों नहीं? मैंने बोला कि आप लोग अगर साथ हैं तो मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपना मन से नॉमिनेशन नहीं दूंगा। तो मुझे सारा जितना भी गरीब जनता है मुझे कहा जे नहीं, आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब मैं खड़ा हुआ हूं मुखिया पद से और पूरे पंचायत में मैं आम कटहल लीची लगाने का प्रयास किया हूं, इसलिए कि आजकल प्रदूषण बहुत फैल रहा है, प्रदूषण से लड़ने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए मैंने इस रायभीर में यह संस्था खोला कि आजकल कोई मुखिया अगर खड़ा होता है तो दारू शराब पीने के लिए को 500 रुपया बढ़ता है। मैंने कहा समाज को कि मैं पेड़ पौधा ही लगाऊंगा जिससे मेरा प्रदूषण खत्म होगा और पर्यावरण मेरा बचेगा, बारिश होगी और हमारे जमीन अच्छा होगा, इसके लिए मैं आम कटहल लीची कम से कम जो है पूरा पंचायत में हर घर में लगाया हूँ, दो दो चार चार दस दस पेड़ करके लगाया हूँ, इसलिए कि पेड़ लगाने से मुझे एक फायदा नहीं है, एक तो पेड़ लगाने से यह फायदा है कि हमारा चौकी कबाड़ पलंग कुर्सी जो बनना है उसके बाद हमारा लकड़ी होगा, कोई मर जाएगा तो मतलब वो जलाने का काम आएगा, दूसरा है कि वो फल देगा, तीसरा है वो प्रदूषण से रक्षा करेगा, पर्यावरण लाएगा, बारिश आएगा,
हमारे चिड़िया उस पर बैठेंगे, घोंसला लगेंगे, हमको फल देगा और जलावन में भी काम होगा। यानी इतना काम है पेड़ लगाने से फायदा है जितना कोई भी चीज में नहीं है। तो मैंने सोचा जो 500 रुपया का मैं किसी को बेखर्च करूंगा तो मैं पेड़ पौधा ही क्यों नहीं लगाऊंगा। अच्छा बताइए, पेड़ लगाने से आपको यहाँ का जनता वोट कर देंगे? पेड़ लगाने से हमको मतलब नहीं है, पेड़ तो मैं अपना मर्जी से लगा रहा हूँ, जनता मुझे नहीं कहा जो पेड़ लगाइए। मैं जनता का सेवा हर हाल में करूंगा और करता रहूंगा, चाहे मैं जीतूं या चाहे नहीं जीतूं। मैं जनता को एक बार कह रहा हूं जो मुझे मौका दीजिए, जितना भी मुखिया बना है, 1947 में हमारे देश आजाद हुए थे, तब से लेकर के आज तक में कई मुखिया हुए हैं, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा किया हूं कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक कोई मुखिया नहीं किया है पंचायत में। ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। यदि यहाँ की महान जनता इस बार अगर आपको जिता देते हैं तो पंचायत में 5 ऐसा काम बताइए। पंचायत में मैं वो काम करूंगा जो हर जगह बताइए जी। पहला काम है कि मुझे हमारे माँ बहने जितने भी गरीब हैं, गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो बाहर जाते हैं लैट्रिन पे खाना के लिए, मैं उसके लिए व्यवस्था करूंगा कि हमारे यहाँ जो गरीब है जो बाहर जाते हैं लैट्रिन के लिए, उसको चाहे जिस तरीके से हो मैं लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे माँ बहन अगर बाहर जाते हैं और गांव का लोग अगर आते हैं तो बहुत शर्मिंदगी हमको उठाना पड़ता है, मैं देखा हूँ, आंखों से देख चुका हूँ। पहले तो मैं लैट्रिन का व्यवस्था करूंगा, और दूसरा मैं हर जगह अंधेरा रहता है, जैसे बारिश में भी अंधेरा रहता है, सांप कीड़े मतलब रहते हैं, तो उसमें लाइट का भी मैं व्यवस्था करना चाहता हूं। हम लोग अशिक्षित हैं इसीलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं, अगर हम लोग शिक्षा से भरपूर करें और शिक्षा पर ध्यान दें तो सब कुछ मेरा सफल रहेगा। मैं सभी गरीब जनता से अपील करता हूं कि अपना बच्चों को स्कूल भेजे और हर वक्त अपने बच्चों को प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकें। और ये मुखिया सरपंच और बड़े बड़े नेता का भी दायित्व होता है कि शिक्षा पर जोर डालें। पांचवा सवाल यह है कि हमारे गांव में बहुत से आदमी नशा में धूर्त हैं, नशा के लिए भी हम लोगों को कदम उठाना चाहिए, हमारे बच्चों को जागरूक करना चाहिए। आज हमारे भविष्य मिट्टी में मिल रहा है, आज हम और हमारे गार्जियन, अगर बड़े बुजुर्ग ही हमारा नशा करेंगे तो हमारे बच्चे वही सीखता है। मैं आंखें से देखा हूं कि हमारे गांव घर में जो है एक आदमी थे, बूढ़े थे, वो अपने बच्चे पोते को कहा जाओ ये बीड़ी लगा करके लाओ, उसने गया लगाने के लिए, वो भी आधा पी लिया, दादा उसको गुस्सा किया, ऐसा क्यों बोला, मैं सुलगाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो वो बच्चा तो सीखेगा ही। तो नशा में हम लोग बच्चों को हम लोग शिक्षित करेंगे कि नशा मुक्त भारत बनाना है और नशा किसी को नहीं करना है, इसके लिए भी हम लोगों को भारी कदम उठाना है। देखते हैं चुनाव के समय में नेता लोग जनता के बीच जो वादे कर लेते हैं लेकिन जीतने के बाद ये देखिए ये हम लोगों का भी इसमें कमी है, जितने भी हमारे जनता है वो सही आदमी को नहीं चुन पाता है। हमारे ग्राम पंचायत हो या हमारे विधानसभा हो या हमारे केंद्र सभा हो, सभी में यह है कि पैसा लेकर के लोग वोट दे देता है, लेकिन जो हमारे समाज को उज्जवल फैलाता है, जो हमारे समाज को आगे ले जाता है, उसको वोट नहीं कर पाता है। देखिए आदमी चेहरा पर नहीं ज्ञान पर नहीं चेहरा पर वोट देता है। आजकल पैसा सबसे बड़ा चीज होगा, पैसा पर लोग वोट देता है, लेकिन हम लोग तो एक गरीब जनता है और हम लोग गरीब उम्मीदवार हैं, तो हम लोग पैसा से तो वोट नहीं लेंगे और हर वक्त सोचेंगे कि हमारे समाज का कैसे विकास हो, समाज कैसे आगे बढ़े। यह मेरा कदम सबसे पहला रहेगा कि कोई चीज में घूस घास न हो, कोई जैसे अभी भी बहुत गरीब जनता का आधार कार्ड भी नहीं बना है, वृद्धा पेंशन नहीं बना है, बहुत का जो है राशन कार्ड नहीं बना है, इसके लिए हमारे गरीब जनता घर घर जाकर के भटक रहे हैं। जहां हमारे मतलब वीडियो बैठते हैं प्रखंड में, चाहे जो ब्लॉक में हर जगह घूमता है लेकिन उसको अभी तक नहीं बन पाता है, क्योंकि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, किसी को वो ज्ञान ही नहीं है। और जो बड़े बड़े जनता है, बड़े बड़े नेता है, वो उससे जो है भैया उससे 500-200 घूस ले लेता है, वो तो बेचारा घर बैठ जाता है। इस पर भी हमको कदम उठाना है कि हर जनता का फ्री में सेवा हो, राशन कार्ड बने और हमारे आधार कार्ड बने,
और हमारे जितना भी पेपर्स है, वृद्धा पेंशन है, चाहे वो जितना भी मतलब है सरकारी कारोबार, वो सब होना चाहिए फ्री में गरीब जनता को। तो वो कदम मैं साहस करके उठाया हूँ, वो काम मैं करके दिखाऊंगा अब की बार। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? मैं इस चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी गरीब जनता को कि हर जनता सही आदमी को चुने और इसको लाख लाख नहीं करोड़ों धन्यवाद दे आपके चैनल को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभास शर्मा। कौन पंचायत है? मैं रायपुर पंचायत शंकरपुर प्रखंड मधेपुरा जिला से बिलोंग करता हूँ। कौन सा पद से आप? मैं मुखिया पद से हूँ।